ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका अनुदेशिका की मौत। सिग्मा न्यूज ब्यूरो से संबंधित ये समाचार पत्र है और इसमें दल हाट के माध्यम से मिर्ज़ापुर वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर हाजीपुर गांव के सामने ट्रक और स्कूटी की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत हो गई। मृतक सुनीता पाल 40 वर्ष पत्नी राजेश कुमार पाल निवासी धमहापुर थाना अरोरा ज़िला मिर्ज़ापुर विकासखंड जमालपुर के बसहीं कला स्थित जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशिका के पद पर कार्यरत थी। वह विद्यालय से घर वापस जा रही थी कि विपरीत दिशा से आ रही अज्ञात हाईवा ट्रक ने टक्कर मार दिया जिससे अनुदेशिका को गंभीर चोट आई। घटना की सूचना पर पहुंची दलहाट पुलिस निजी चिकित्सालय के यहां इलाज हेतु भेजा गया जहां इलाज के दौरान शिक्षिका की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया। घटना की सूचना पर खंड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार सिंह जी प्रधानाचार्य शशि प्रकाश पांडे घटना स्थल पर पहुंच गए। यहां पर दिखाना चाहेंगे फाइल फोटो है मृतका की। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को धैर्य बधाए। अपार प्रतिभा की धनी सुनीता पॉल सदैव स्कूल समय से आना और समस्त विषयों को पढ़ाना ये उनका कार्य था। सदा अनुशासन में सभी बच्चों को रहना सिखाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये तमाम जो शिक्षा से संबंधित महान गुण हैं वो उनके व्यक्तित्व का एक परिचय है। आदमी यहाँ पर बताना चाहेंगे एक दिन बीत गया है पूरा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं की गई है सुनीता पाल अनुदेशिका के परिवार को। मेरी अपील है चैनल के माध्यम से सरकार कुछ न कुछ धनराशि प्रेषित करे ताकि उनके परिवार को इस संकट की घड़ी में कुछ राहत मिल सके। मैं पुनः एक बार राष्ट्र माता शिक्षिका के इस दुख में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।